तो डोयून जिंदा है एंड हीजिन ने जिस जगह की ड्राइंग पिछले एपिसोड के एंड में बनाई थी वो वही हॉस्पिटल था जहां पर हमें जेई, जुनकिन लिम, डोयून और हीजिन दिखे थे जब सिमोन ने जेई की मेमोरीज को ब्रेन सिंक करा था। एंड इस एपिसोड का मेजर स्पॉइलर तो एपिसोड 1 से जुड़ा है जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा डॉक्टर ब्रेन के एपिसोड 4 की एंड शायद इस सीरीज के अब तक के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की। वेल, एक बात जो मुझे डेफिनेटली अब पता लग रही है वो ये है कि सिवॉन और डोयून दोनों का कनेक्शन एक ही आदमी से जुड़ा हुआ है। तो एपिसोड 4 के प्लॉट को आगे समझाते हुए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलो यार फिर शुरू करते हैं। तो क्योंकि सिवॉन को लग रहा है कि डोयून जिंदा है, वो जियो से कहता है कि वो डोयून का केस दोबारा से रीओपन कर दे। पर क्योंकि डोयून का तो फ्यूनरल हुआ था एंड उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी तो जियो कहती है कि वो डोयून का केस रीओपन नहीं कर सकती। इससे सिवॉन कहता है कि कोई नहीं, वो अपने आप डोयून को ढूंढ लेगा। अब क्या एक्चुअली में डोयून अभी जिंदा है ये तो मुझे 100% पता नहीं, पर वो डेफिनेटली उस एक्सीडेंट में तो नहीं मारा गया था जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी बात करते हैं हमारे अननोन पर्सन की जिसने पिछले एपिसोड में जुनकी लिम का मर्डर करवाया था। नाउ अभी ये कैरेक्टर और ज्यादा डार्क एंड मिस्टीरियस होता जा रहा है क्योंकि इस सीन में हमें वो सिवॉन के घर पे दिखाई देता है एंड जे को भी मारते हुए नजर आता है। इसी वक्त उसे एक मैसेज आता है एंड जिससे वो जेई को नहीं मारता और सिवॉन के घर से चला जाता है। नाउ अभी ये अननोन पर्सन के ऊपर भी कोई है जिसका नाम डॉक्टर एम है। मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि यही हमारा फाइनल मेन विलन है। इसी सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर होंग को मारने के लिए उसी किलर को हायर कर लेता है जिसने जुनकी लिम और कांगमूली को मारा था। सिवॉन अपने घर पे जेई से बोलता है कि वो सही थी कि डोयून जिंदा है और उसे भी डोयून और फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहिए था एंड उसने भी कभी उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया। इतने में कांग सिवॉन से कहता है कि डोयून को ढूंढने के लिए उसे वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। तो इसके लिए सिवॉन अपने पुराने घर पे वापस जाता है एंड सब कुछ टेगू के विजन से देखता है कि उस रात हुआ क्या था। नाउ उसे यहाँ पर दिखता है कि डोयून को किसी और बच्चे के साथ रिप्लेस कर दिया गया था एंड उस बच्चे के माइंड में सर्जरी के कुछ मार्क्स थे। नाउ अभी मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़ी है। वेल, जो भी हो, सीन आगे बढ़ता है एंड अभी मैं आपको एक ग्लिच या यूं कहें एक तरीके का टेक्निकल सीन फॉल्ट दिखाता हूं। ये देखो, कुछ दिखा? अब इसे थोड़ी और कम स्पीड में देखो। नाउ अभी धमाके से पहले कोई नहीं था बट उसके तुरंत बाद जेई भी फ्रेम में आ गई और मीका भी। इधर डॉक्टर होंग की माँ के घर पर वही क्रिमिनल पहुंच जाता है एंड डॉक्टर होंग की माँ से डॉक्टर होंग के बारे में पूछता है एंड उनसे मारपीट करता है। वहीं दूसरी तरफ सिवॉन उस ग्रेव साइट पे पहुंचता है जहां पर उस अननोन बच्चे का फ्यूनरल करा गया था। वो उसके डीएनए से डोयून का डीएनए मैच करता है जो कि ऑब्वियसली मैच नहीं करता। अभी ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि ये बच्चा आखिर है कौन और उसके साथ इतना बुरा क्यों करा गया। मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए करा गया है। वेल, हु नोस। इसके बाद सिवॉन उस हॉस्पिटल में जाता है जहां जियो डोयून को ले गई थी एंड यहां उसे डॉक्टर सोजुंग ह्यून मिलती है। सिवॉन के डॉक्टर सोजुंग से पूछने पर कि उसे डोयून के मेडिकल रिकॉर्ड्स देखने हैं, सोजुंग भी डॉक्टर एम से कांटेक्ट करते हुए नजर आती है एंड यहीं पर आगे हमें सोजुंग की डेस्क पर रखे एक फोटो फ्रेम में कुछ ये नजर आता है। पहचाना ये कौन? ये है सिवॉन के डॉक्टर जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाए गए थे। तो अभी मुझे लग रहा है कि डॉक्टर एम यही डॉक्टर है एंड कहानी में हमें अभी आगे डॉक्टर एम के डार्क सीक्रेट्स और मोटिव्स के बारे में बताया जाएगा। वेल, इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।